कुत्ता आदमी को काटे खबर नहीं है, आदमी कुत्ते को काट ले खबर है, ठीक है। ये कुछ कुछ सूरत हाल अजीब सी है। मैं पहले आपको पूरा वाक्य बता देता हूँ। ऐसा वक्त भी आएगा इंसानियत पे कि जब कब्रों को ताला लगाना पड़ेगा। अब यकीन कीजिए ये दौर आ चुका हुआ है कि अब क्या हमारे मुल्क में या हमने अपने माशरे में देखा नहीं कि कब्रों से लड़कियों की लाशों को निकालकर उनके साथ बदफेली की गई, उनके साथ ज्यादती की गई। हाँ हमने ये होते देखा है। दुल्हन जो है वो कहां पर गायब हो गए हैं, मंदिर में जाने की क्या हकीकत है, मंदिर में क्यों गए और किसने मंदिर बुलाया था जहां पर जो है वो पूजा पाठ करवाई गई। हालांकि कहा जा रहा है कि वो दारे इस्लाम में आ चुके हैं, लेकिन फिर मंदिर में जाने का क्या मतलब है? जय दोस्तों, जय श्री राम। तो हाल ही में सुर्खियों में आई फातिमा भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि जो बेनजीर भुट्टो है उसकी भतीजी है और राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो उसकी पोती है। तो ये कैसे सुर्खियों में आ गई भाई? ये शादी करने के बाद पहुंच चुकी है शिव मंदिर में जहां पर जल अभिषेक किया। तो बातें चली है कहीं भाई ये सनातन की तो फैन नहीं होगी, सनातन तो नहीं अपना लिया। तो पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है? दूसरी ओर कब्रों पे ताले लग रहे हैं उसके बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या कहती है? आप लोग क्या रहे वीडियो शुरू करते हैं। देखा कि दुकानों को ताले लगते हैं, बिल्कुल ठीक है, घरों को लगते हैं ताले, होता था हमारे मुल्क में। तो हमने ये भी देखा कि जो बंदा सवाब हासिल करने के लिए या कौन की या आम की खिदमत के लिए, आम आदमी की प्यास बुझाने के लिए एक कूलर बाहर लगाता था, उस कूलर को ताला लगाता था। उस कूलर के साथ जो छोटा सा सस्ता सा गिलास होता था, एक प्याला, उस तक को ताला, जंजीर डलती है, आज भी डलती है, भरोसा नहीं है। लेकिन क्या हमने सोचा था कि ये वक्त भी आ जाएगा कि कब्रों को ताले लगेंगे? इस सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। सही बात है, कब्रों को कफन चोरी होते हैं भाई। आपको पता है कि पिछले साल दो साल पहले की बात है कि ऐसा ग्रुप पकड़ा गया था जो कब्रों से मुर्दे निकाल के उनको पका के खाता था, ये भी हुआ था। अब ये वाकया है और इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है पेरेंट्स इन पाकिस्तान लॉक डॉक्टर्स, यार मैं किस तरह पढ़ूं इसको, यानी एक कब्र है अगर आप उसको देखें तो उस ये एक एक ये अपनी बेटी की कब्र है इनकी ना। तो बदफेली से बचने के लिए कि हमारी बेटी के साथ उसकी कब्र उसकी लाश के साथ बदफेली ना हो जाए, उससे बचने के लिए नाज़रीन इन्होंने उसकी कब्र को ताला लगाया हुआ है। आप ये इमेजिन करें, ये इंडिया टुडे जो है अखबार वो रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहां पे मैं एक बात आपको बता दूं नाज़रीन कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत को प्रोपेगेंडा का मौका मिले पाकिस्तान के खिलाफ और प्रोपेगेंडा ना करें। अब ये बकायदा इन्होंने इसकी पूरी खबर छापी है, लिखा कि ये पाकिस्तान में एक रिवायत चल पड़ी है जहां पे वालदैन ने अब अपनी बच्चियों अपनी बेटियों की यानी अगर बेटी किसी की फौत हो जाती है अपनी बेटियों की कब्रों को ताले लगाने शुरू कर दिए हैं। सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद उन्होंने अपने दादा की लाइब्रेरी में शादी की, उसके बाद जो है बड़ी सिंपल सी शादी थी, बहुत सारी चीजें शादी से सीखने को मिली। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि फातिमा भुट्टो शादी के अगले रोज लोग इस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि मौका मिलना चाहिए, जरूरी नहीं कि जो चीजें सबको अच्छी लगती हैं वो सिर्फ अच्छी ही लगें। लोगों ने जी एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर जो गर्दिश कर रही है, मैंने जो है आपको दिखाई भी है, ये तस्वीर गौर से देखें जहाँ पर फातिमा भुट्टो जो है ग्राहम और जुल्फिकार भुट्टो जूनियर की तीनों जो है वो हिंदू मंदिर में जाते हैं जहाँ पर ये लोग पूजा कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कि उनके रीति रिवाज क्या है, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने अपने दोस्तों से समझा है कि वो वहाँ पर जो है वो पूजा कर रहे हैं, जैसे उनके जो जो वहाँ पर मंदिर में अरे कहना क्या चाहते हो मौजूद होते हैं, मेरे ख्याल में पुजारी कहते हैं, जो पुजारी उनको बता रहे हैं पुजारी साहब वो वैसा कर रहे हैं और वो वहां पर जो है वो दूध वगैरह जो है वो जो भी एग्जैक्टली मेरे पास मतलब वर्ड्स नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी जो है वो देख रहे होते हैं और आप लोग भी फॉलो कर रहे होते हैं, तो वहां पर जी मंदिर जाते हैं, वहां पर जाकर जो है वो पूजा कर रहे हैं मंदिर में और इनकी ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे इस वक्त मौजूद है। इन पिक्चर्स में फातिमा भुट्टो और ग्राहम ने वही लिबास पहना हुआ है जो वो एनिमल वेलफेयर गए थे, एनिमल वेलफेयर जाते हैं वहां पर जो है वो बड़ा अच्छा वक्त गुजारते हैं वहां पर बंदरों के साथ, हाथियों के साथ और बहुत सारे जानवरों के साथ जो है वो वहां पर वक्त गुजारते हैं। उन्होंने फातिमा भुट्टो ने जो है ये तस्वीर शेयर नहीं की, उन्होंने जहां पर वो जाती हैं कि वेलफेयर में जब गई हैं वहां की उन्होंने बहुत सारी जो है तस्वीरें शेयर की हैं क्योंकि अब कब्रों से निकाल के उन लाशों का रेप किया जाता है। अच्छा अब एक शख्स है उसका नाम है हारिस सुल्तान, वो एक बेसिकली तो एक बहुत ही खबीस इंसान है। उसने एक वो पहले मुसलमान था, बाद में वो जो है वो दहरिया हो गया, उसने किताब लिखी और किताब उसका जो पूरा नाम है मैं बता नहीं सकता, वो अपने आप में बड़ा तौहीन आमेज है जो किताब का नाम है, लेकिन उसका एक हिस्सा है कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा। अच्छा उसने ये कहा कि बेसिकली मैंने इसलिए इस्लाम छोड़ा क्योंकि मुसलमान जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिये ये कब्र है किसी हिंदू की तो हो नहीं सकती, है तो मुसलमान की, सही बात है, ठीक है, ऊपर कतबा भी ऐसे ही लगा हुआ है कि मुसलमान का है ये। अब खबर जो इसकी इसकी जो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है जब उसको चेक किया गया तो सर शर्म से झुका तो रहा मेरा, लेकिन पूरा नहीं। उसकी वजह यह है कि यह खबर
इंडिया टुडे भारत का बहुत बड़ा अखबार है भाई, ये बाकायदा खबर छापी है, बहुत बड़ी खबर है ये कि अब मुसलमान अपने अपने प्यारों की अपनी बेटियों की खबरों को ताला लगा के रखते हैं। लेकिन पता ये चला कि ये खबर जो है वो हैदराबाद, ये जो वाकया आई है यहां का नहीं है। और उसके बाद एएलटी न्यूज है, उसने बाकायदा इस खबर की तस्दीक की। उसने कहा कि ये जो आपके सामने कबर की एक फोटो है जिसके ऊपर आयरन ग्रिल लगी हुई है, और यह है शिनजाइन मजमुदर, इन्होंने इसको जो है वो रिपोर्ट किया इस खबर को, कि ये पाकिस्तान की खबर नहीं है भाई, इसको पाकिस्तान से लत्थी नहीं करो। क्या हुई है मैं मानता हूं पाकिस्तान भी कोई दूध का धुला नहीं है, और हमारा माशरा तो बहुत हद तक गिर चुका हुआ है, हमारे माशरे में कबरों से निकाल के हुआ है ये सब कुछ। बाप ने बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, ये भी हुआ है, भाई ने बहन को कर दिया, ये भी, ये सब हुआ है नाजरीन। लेकिन किस चीज की कॉस्ट पे हुआ ये? हमने तो अपने अखलाकियात खो दिए और हम खोते जा रहे हैं। लेकिन जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूं या जिस मुल्क की बात मैं आपको बता रहा हूं नाजरीन, इसने तो बहुत पहले अपनी अखलाकियात का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ था, बहुत पहले। तो ये चीज और ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी थी। ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान पे ब्लेम करना बंद करें। और वही ड्रेस पहनकर जो है इसके बाद वो टेंपल जाती हैं, ना सिर्फ टेंपल का विजिट करवाती हैं, मतलब अगर लोग कहते हैं, मतलब लोगों का ओपिनियन ये है कि अगर वो टेंपल अपने शौहर को दिखाने गई थी तो वो उनको दिखा सकती थी, लेकिन ये तीनों वहां पर जो है पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने भरपूर अंदाज में पूजा की, इन पिक्चर्स में फातिमा भुट्टो है, ग्राहम है, और इन्होंने वही लिबास पहना हुआ है जो इन्होंने जो है वेलफेयर में, एनिमल वेलफेयर सेंटर में जब जाते हैं वहां पर पहना होता है। सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जी क्या ग्राहम वो हिंदू है, और निका के बाद फातिमा भुट्टो के साथ जो है वो हिंदू टेंपल में क्यों जाना पड़ा। फातिमा भुट्टो के नाम से वो कहते हैं कि जी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने किसी और मजहब में कन्वर्ट किया है, और उनके शोहर के बारे में उन्होंने यही बताया है कि जी वो क्रिश्चियन थे, वो दारे इस्लाम में आए हैं, तो फिर हिंदू टेंपल जाकर जो है वो हिंदुओं के साथ पूजा करने का क्या मकसद है। इस वक्त ये सवाल सोशल मीडिया पे जो है वो गर्दिश कर रहा है। थोड़ा सा बताते चलो कि ग्राहम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मौजूद, वो बिजनेसमैन है और मज़हब उनका जो है वो क्रिश्चियन है, और शादी से पहले जो है इस्लाम कबूल किया, और उनका नाम इस वक्त जिब्रान है, जिब्रान नाम वो रख चुके हैं, उसके बाद उनका निकाह होता है। फातिमा भुट्टो के हवाले से मैं बताती चलूं कि ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही हैं और लोग सवालात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों इतनी खिचड़ी बनाई गई, अगर वो टेंपल जाते हैं तो टेंपल दिखाने गई थी तो फिर वो पूजा क्यों कर रहे हैं, पूजा करने से क्या लेना देना है। तो ये सारी बातें सोशल मीडिया पर ट्रॉलिंग जो है वो की जा रही है और बहुत ज़्यादा खिंचाई की जा रही है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। फातिमा भुट्टो के निकाह के हवाले से बताती चलूँ कि उन्होंने 85,000 का जोड़ा पहना हुआ है, कोई पिंक ट्री वो कहती हैं कि मुझे बड़ा पसंद था, वहां से इन्होंने डिजाइनर से जो है वो 85,000 का जोड़ा जो है वो डिजाइन करवाया है। तो वीडियो ये देखिए, अब बात कर ले, जैसे कि भाई सैयद अली हैदर भाई साहब ने बोला है कि जो आप लोगों ने भी देखा है कि भाई जो ग्रीन कलर का गेट लगा रखा है कब्र पे, वो श्रीमान जी बोल रहे हैं कि ये हैदराबाद गुजरात भारत का है, ठीक है, और ये तख्तीस किसने की है, ऑल्ट न्यूज मेरे ख्याल में कुछ ऐसा ही था। तो आप लोगों को बता दूं पाकिस्तान के अंदर, और श्रीमान जी ने भी जैसा बोल दिया है, पाकिस्तान के अंदर रेप रेप नहीं, आप लोगों ने देखा होगा मुर्दों को निकाल कर भी खाई गई है डेड बॉडी। दो भाई थे, पुरानी वीडियो है आप सर्च कर लेना, तो पुराने जो मुर्दे थे वहां पर उनको खाया जाता था, दो भाई थे पका पका कर खाते थे, और जो डेड बॉडी थी उनको कब्रों से तुरंत निकाल कर उनके साथ कब्र के अंदर लेट कर ज्याति की जाती थी। ये पाकिस्तान में ऑलरेडी हो चुका है, हकीकत सभी को पता है, बाकी जो गेट वाली भाई आधी हकीकत आधा फसाना है, देखते हैं कहां की खबर आती है। आप लोग कह रहे हैं कि मिसेस वर के जैन जबर जय श्री राम।